निकाल ले मैं निकाल है अभी जा रहा हूँ मैं नहाने और उसके बाद हम लोग जाएंगे रायपुर से गरियाबंद बैठा दिए आधा घंटा पहले ही आ गया है टाइम से गाइस बहुत झूठ बोलता है दोपहर के 11 बज गए हैं और बारिश रुक ही नहीं रहे तो रेनकोट डाल ले रहा हूँ इस बार जूता पहन लिया क्योंकि ना कीचड़ आता है पैर में अरे अपना जादू तैयार है यो। अभी हम लोग रायपुर से जतमई घटा रानी जा रहे हैं 12 बजे अभी आज संडे है गोप्रो को अभी रख दिया हूँ क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रहा है तो अगर रास्ते में बारिश रुका तो गोप्रो लगाएंगे नहीं तो बस ऐसे सो रायपुर तक बारिश हो रहा था इधर बारिश नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी पहना हूँ क्योंकि थोड़ा ठंडा ही लग रहा है गर्म नहीं लग रहा गर्मी लगेगा तो उतार दूंगा कैमरा लगा लिया हूँ और अभी बारिश रुका तो कैमरा लगा लिया पेट्रोल फुल हो गया है 1000 का डलाया हूँ और इतना तो नहीं लगेगा इतने में वापस आ जाऊँगा और हवा भी चेक हो गया है मतलब सब कुछ बढ़िया है बस सब पहुँचना है घूमना है इन्जॉय करना है सोचा हूँ वहाँ जाके नहाएंगे क्योंकि जा रहे हैं तो नहाएंगे और उसमें बाद मंदिर का दर्शन करेंगे बस उसके बाद शाम को 6 बजे तक वापस भाई के पैर के जूते देखो मस्त पन्नी लगा लिए हैं जूते गंदे नहीं होंगे मेरे को भी करना था लेकिन मेरा ना बाइक में फिसलेगा वो बैठा हुआ है तो अच्छी है इधर बारिश हो नहीं रहा अब गर्मी लग रहा है तो थोड़ी देर में रेनकोट उतार दूंगा मौसम इधर प्यारा है लोग अभनपुर पहुंच गए हैं और यहां से हम लोगों को किधर जाना है ये गूगल बताएगी इधर जाना है तो सीधा जाके ले जा रहा है तो मैं उतना बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ मतलब पहले ऐसे मोड़ के आगे से लाने बोल रहा है इस चौक से अगर उधर जाएंगे मतलब राइट साइड इधर तो हम लोग को पड़ेगा ओना कोना धमतरी जगदलपुर और इधर जाएंगे तो हम लोग को पड़ेगा हाँ यहाँ पे होटल में हम लोग खाते ही हैं कई बार रुकते हैं तो अभी भी कुछ खाना है फिर आगे नहीं मिलेगा कुछ खा लेते हैं नाश्ता कर लेते हैं तो रेनकोट उतार दिया हूँ जूता उतार दिया हूँ दूसरा जूता पहन लिया अब यहाँ से सीधा बारिश अगर नहीं हुआ तो पहुँच जाएंगे तो यहाँ से गरियाबंद है 63 किलोमीटर देवभोग 180 महासमुंद 56 चंपारण 74 हम लोग को जाना है 53 किलोमीटर बस 1 घंटा 19 मिनट का रास्ता है क्योंकि बीच में घाटी है 2-3 साला 5 गियर में था देखो हिमालयन 5वां गियर में उठा लेता है लेकिन चल नहीं पाता है इधर तो बिल्कुल बारिश का कोई निशान नहीं है अपने रायपुर में ही बारिश होता है मेरे को लगता है ये है गरियाबंद के गाय ये गरियाबंद का लड़का है इधर गरियाबंद के लोग बिना हेलमेट लगाए हाइट सिगरेट वाओ क्या पी रहा है कूल लग रहा है ना ये गरियाबंद के गाय लोग गरियाबंद के आदमी देखो सड़क कैसे पार करता है मजा आता है लेकिन ऐसे बकवास करने में नहीं मेरे को तो आ रहा है सॉरी गाइज इतनी सारी डिस्क्रिप्शन में बता दिया लेकिन ये राजीम है गरियाबंद नहीं है ये महावद नदी है अपना राजीम का यही मेला लगता है यही लगता है ना मेला राजीम का मेला लगता है ना दिसंबर में यही लगता है संगम 3 नदियों का संगम होता है यहाँ पे मैं देख बरगद का पेड़ और सामने में स्कूल है
मस्त दिख रहा है, इसी को मूवी में यूज करेंगे तो क्या लगेगा। बस 10 किलोमीटर और, जो लास्ट का 3-4 किलोमीटर है इसमें अभी रोड का काम चल रहा है, तो कच्ची रोड है, फिर बीच में पक्की है, फिर कच्ची है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, देखो ना वहाँ से यहाँ तक पूरा पार्किंग पूरा है फुल। ये है मेन गेट, हमर जतमई दाई, हद से ज़्यादा भीड़ है भाई। अबे वो नहीं होगा पत्थर बे, पतला सा पत्थर ना। गाइस बहुत टाइम के बाद हम लोग आ रहे हैं जतमई घाटा रानी, लगभग 8 से 10 साल बाद काफ़ी बदलाव हो चुका है। ये रहा प्रवेश द्वार, जय माँ जतमई धाम। कैमरा को बैग में रख दियो, जूता वूता उतारते हैं, पानी में नहाते हैं, मजा आने वाला है, खोलते हैं। खजाना है ये, चिप्स खा के अब हम लोग अच्छे से रख दे रहे हैं, गंदगी नहीं फैला रहे हैं। हंस रहा है डमरू, ए फेंक दिया था ये, इधर छुपा रहा था इधर। अब इसमें नहाते हैं, वहाँ से मस्त तैर के यहाँ तक आएंगे, 2-3 राउंड मारते हैं फिर घर। बस बहुत लोग नहाए हैं, कुछ लोग आए नहाए गए, आए नहाए गए, आए नहाए गए, ऐसे लगभग 4 ग्रुप आया नहाया गया। हम लोग भैंस के जैसे बैठे ही रहे। पहले उधर जाके नहाए, फिर इधर जाके नहाए, हर जगह तरफ से घूम घूम के नहाया, फिर इधर पेड़ पौधे में पहले इधर कपड़ा बदले, फिर उधर बदले, वहाँ आ रहा था, इधर टाइम पास कर रहे थे खूब, मतलब अच्छा टाइम पास हुआ, आज मज़ा आ गया। इधर अपने बजरंग बली हवाए रही, और कैसे बोलते हैं दुर्गेश नाई, हवाए 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 रही। हाँ।